बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस में कैजुअल जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और औपचारिक पोशाक में आना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर आते हैं जिसे किसी भी ऑफिस में कोई प्रतिष्ठित शख्स पहनकर नहीं आता। इस आदेश के जारी होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सरकारी ऑफिस में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक। ऑफिस संस्कृति का हवाला देकर जारी हुआ आदेश। नीतीश सरकार के फैसले पर सियासत हुई थी। अभी तक स्कूल में ही ड्रेस कोड देखा होगा, लेकिन अब सचिवालय आइएगा तो यहाँ पर ड्रेस कोड देखने को मिलेगा। दरअसल बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस में कैजुअल जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनने का आदेश दिया है। निर्देश है कि लोग सिंपल में आए, माने भड़काऊ ये सब पहन के नहीं है, जो माने साधारण है, क्या कहते हैं, फॉर्मल ड्रेस है, टी शर्ट या आपका जींस नहीं है, टी शर्ट नहीं पहनना, ये सब। अगर आप ऑफिशियल माहौल बना के रखना है तो नेचुरली कैजुअल ड्रेस में अगर आप कैजुअली रहिएगा, जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोग वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं, तो नेचुरली वो माहौल नहीं बन पाता है कि अब कोई पैजामा कुर्ता में चला आया, कोई किसी चीज में चलाया, तो नेचुरली फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। दरअसल आदेश में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी ऐसी पोशाक पहन कर आते हैं जिसे किसी ऑफिस में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पहन कर नहीं आता। सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सौम्य रंग के शालीन, गरिमा युक्त, आरामदायक सामान्य कपड़े पहनकर आने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि विभाग में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी ऑफिस संस्कृति के खिलाफ अनौपचारिक ड्रेस पहनकर कार्यालय आ जाते हैं, ऐसा पहनावा कार्यालय की गरिमा के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर हाल में औपचारिक परिधान या फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आना होगा और अपेक्षा की जाती है कि जीन्स टी शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आएंगे। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आदेश पर आपत्ति जताई है। हम समझते हैं ये तो स्कूल कॉलेज में बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ होता था, लेकिन ये तो पहले बार सुन रहे हैं जो सेक्रेटेरिएट में ड्रेस कोड दिया जा रहा है। हम समझते हैं ये इसकी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। पुलिस की तो वर्दी है, लेकिन अधिकारी को पहचानने में भी कई बार दिक्कत होती थी। सेक्रेटेरिएट में उनको कहा गया कि जींस टी शर्ट को अवॉइड करें, घर पे पहने, और बिहार पुरानी संस्कृति का राज है, उसको ध्यान में रख के निर्णय लिया है। बता दें कि विभाग में फोर्थ क्लास के कर्मचारियों के लिए पहले से ही खास रंग के ड्रेस कोड निर्धारित है। अब देखना होगा कि सचिवालय कर्मचारी इस आदेश का पालन कितना करते हैं। 52-54 से ही चल रहा है, बीच बीच में लोग थोड़ा इसी को नजरअंदाज कर दिए थे और अच्छी बात है, मानेंगे लोग, सख्ती से पालन किया जाएगा तो क्यों नहीं मानेंगे। ये अच्छा है, अच्छे पहल है ड्रेस कोड, और इसे लागू होना चाहिए सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में। तो ऐसे तो बहुत पहले से ही प्रावधान किया हुआ था, आज से लगता है 10-12 साल पहले ही से ये प्रावधान था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। नवजीत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।